मासूम सी लड़की जो अभिनेत्री बनना नहीं चाहती थी, पर जब अभिनय की दुनिया में कदम रखा तो अपनी एक अलग पहचान बना ही ली। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ा। नाम शर्मिला टैगोर। रूप तेरा मस्ताना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर सन 1946 में हुआ। जगह थी हैदराबाद। पगला कहेगा। दीदी ये कैमरा नहीं है मेरे पास, वरना एक गजब का फोटोग्राफ मिल जाता। मुझे माफ कर दीजिएगा, बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ ईरा बरुआ जो कि एक असमिया थी और पिता गितेंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली। बाबा। बेटी तुम आ गई। स्वागतम स्वागतम। शर्मिला टैगोर एक बड़े ही रसूख वाले खानदान से ताल्लुक रखती थी और इनके पुरखों ने कई बड़े अनोखे काम किए। बचपन में अपनी पढ़ाई लिखाई की वजह से शर्मिला टैगोर अपने माँ बाप से कुछ वक्त के लिए जरा दूर जरूर रही थी। बात दरअसल यूं थी कि इनके माता पिता इन्हें घर में ही पढ़ा रहे थे, जब लगा कि इन्हें स्कूल जाने की जरूरत है तो इन्हें कलकत्ता भेज दिया। पूरे 18 साल के बाद मिल रहे हैं हम, और वो भी इतने शुभ दिन पर। माता पिता उस वक्त कलकत्ते से दूर जमशेदपुर में रहा करते थे। शर्मिला टैगोर की शुरुआती पढ़ाई हुई सेंट जोन्स डायोसिजन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और लोरेटो कॉन्वेंट में। मेरे साथ पढ़ा करता था। मैंने ठीक कहा था ना, दिल्ली की याद सता रही है। शर्मिला टैगोर किस तरह से एक्टिंग में आई ये किस्सा भी बड़ा अनोखा है। बात उस वक्त की रही जब माणिक दा के नाम से मशहूर जबरदस्त डायरेक्टर सत्यजीत रे एक फिल्म बना रहे थे अपूर संसार। उसके लिए इन्हें एक छोटी सी लड़की की जरूरत थी, ऐसी लड़की जो स्कूल में पढ़ती हो और नई नवेली दुल्हन के रूप में आए तो सब यही कहें कि ये बच्ची कौन है। शर्मिला टैगोर को ढूंढा गया, इनके माता पिता से बात की गई और पिता बड़े खुश हुए कि अरे वाह, सत्यजीत रे चाहते हैं कि मेरी बेटी उनकी फिल्म में काम करे, और बात बन गई। फिल्म अपूर संसार के बाद इन्हें स्कूल से निकाला गया। प्रिंसिपल ने कहा कि शर्मिला टैगोर बाकी की लड़कियों पर अच्छा असर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उस जमाने में फिल्मों में काम करना बड़ा खराब समझा जाता था, लिहाजा शर्मिला टैगोर को स्कूल बदलना पड़ा। शर्मिला अपने परिवार में सबसे बड़ी औलाद रही। इनकी दो बहनें रहीं ओइंद्रला कुंडा और रोमिला टैगोर। इनकी छोटी बहन ओइंद्रला ने बिमल रॉय की फिल्म काबुलीवाला में मिनी का किरदार निभाया था। 1959 में सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार में नजर तो आई, पर हिंदी फिल्मों में कदम रखा इन्होंने सन 1964 में। फिल्म के डायरेक्टर रहे शक्ति सामंता जो खुद बंगाली थे। फिल्म का नाम कश्मीर की कली। जब तुमसे नजर टकराई सनम, जज्बात। बी कपूर साहब के साथ इनकी जोड़ी को सराहा गया और शक्ति सामंता ने फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस में इस जोड़ी को दोबारा लिया और इस बार तो कमाल हो गया। शर्मिला टैगोर बड़े आजाद ख्याल की अभिनेत्री थी और अपने फिल्म डायरेक्टर शक्ति सामंता से तकरीबन जिद करके इन्होंने एक बिकिनी पहनी, और उस जमाने में किसी भी हीरोइन को बिकिनी में देखना बहुत बड़ी बात थी। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने, कहो प्यार है तुमसे, जा, जाना कहो प्यार है तुमसे। इसी बीच शर्मिला टैगोर के प्रेम संबंध बढ़े जबरदस्त खिलाड़ी मंसूर अली खान पटौदी के साथ, और कुछ वक्त के बाद मंसूर अली खान साहब और शर्मिला टैगोर शादी के बंधन में बंध गए। शादी से इन्हें 3 बच्चे हुए, बेटा सैफ अली खान, बेटियां सबा अली खान और सोहा अली खान। हालांकि शादी के बाद शर्मिला टैगोर ने सोच लिया था कि अब ये फिल्मों से दूर हो जाएंगी, पर ऐसा ये कर नहीं पाई। राजेश खन्ना साहब के साथ इनकी जोड़ी आराधना फिल्म से ऐसी हिट हुई कि एक के बाद एक जबरदस्त फिल्मों का ये हिस्सा बनी और इतिहास रचती गयी। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। और हिंदी कमर्शियल फिल्म्स के साथ साथ ये सत्यजीत रे के साथ भी फिल्मों में काम करती रही। जहाँ एक तरफ हटके सिनेमा में इन्होंने अपने कदम जमा लिए थे, वहीं दूसरी तरफ कमर्शियल सिनेमा की एक नई उड़ान ये देख रही थी। राजेश खन्ना रहे के धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन रहे के संजीव कुमार, सभी के साथ शर्मिला टैगोर की जोड़ी खूब जमी। मैं प्यासा तुम सावन, मैं दिल तुम मेरी धड़कन। मल्टी स्टारर फिल्म रही हो या फिर कैरेक्टर रोल्स, शर्मिला टैगोर हर जगह अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ती रही।
वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। निजी जीवन में इनकी पहली बहू बनी अभिनेत्री अमृता सिंह। इनके बेटे सैफ अली खान और अमृता सिंह जब अलग हुए उसके बाद इनकी दूसरी बहू बनी राज कपूर की पोती करीना कपूर और इनके दामाद बने अभिनेता कुणाल खेमू। शर्मिला टैगोर का जीवन वाकई ही रोमांच से भरा रहा। एक तरफ अभिनय, दूसरी तरफ एक नवाबी खानदान की बहू बनी, क्रिकेट का जोश देखा और सेंसर बोर्ड का तनाव भी। जी मैं समझी नहीं, आप अंग्रेजी नहीं समझती? थोड़ी थोड़ी। कहाँ तक पढ़ी हो? 8वीं तक। तो यहाँ के लोगों की बातचीत कैसे समझोगी? जी बात करना जरूरी है। गुलजार साहब की बनाई फिल्म मौसम के लिए शर्मिला टैगोर को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया और अवार्ड की फहरिस्त वाकई बहुत लंबी है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में शर्मिला टैगोर ऐसी अभिनेत्री बनकर आई जो सबसे अच्छे सिनेमा का हिस्सा बनी और भारतीय सिनेमा को एक नया रूप दिया। सब जल भुनकर खाक हो गए और क्यों ना हूँ, हम भी तो हिंदुस्तान से वो हीरा उठाकर लाए हैं जो लाखों में एक है।